ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज एन पी एन या पी एन पी, या तो एन पी एन होता है या पी एन पी होता है। एन पी एन इज प्रेफर्ड, ये प्रेफर करते हैं बिकॉज मोबिलिटी ऑफ एन टाइप इज मोर। एन टाइप कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल से ज़्यादा होती है और एन पी एन में एन ज़्यादा है पी कम है, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स है एन पी एन में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई वी प्रेफर एन पी एन, राइट। इट इज लाइक दिस, तीन पार्ट, द वन इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। नाउ अब या तो ये ऐसे होगा पी एन पी, या फिर ये ऐसे होगा एन पी एन, राइट। जो बीच वाला है वो डिफरेंट नेचर का होता है, दोनों साइड वाले डिफरेंट नेचर के होते हैं, करेक्ट। इसमें अगर हम देखें एमीटर, इनको हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। डॉपिंग एंड साइज, इफ आई टॉक अबाउट एमीटर, मोर देन कलेक्टर, मोर देन कलेक्टर एंड साइज लेस देन कलेक्टर, स्मॉलर बोल, साइज इज स्मॉलर देन कलेक्टर, बेस वेरी स्मॉल एंड साइज भी वेरी स्मॉल, यानी इन कंपैरिजन टू एमीटर एंड कलेक्टर साइज बहुत छोटा होता है। देन कलेक्टर, लेस देन एमीटर, यानी डोपिंग थोड़ा कम होती है एमीटर से, एंड साइज ग्रेटर देन एमीटर। लगभग एमीटर और कलेक्टर दोनों के साइज इक्वल होते हैं और डोपिंग भी इक्वल होती है, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बट फिर भी होता है ना। सिंबल, इसका सिंबल हम कैसे रखते हैं, इट्स लाइक एक सर्कल, ये डंडा ये बेस को रिप्रेजेंट करता है, ये साइड एमीटर को रिप्रेजेंट करती है, ये साइड कलेक्टर को, ऐसे बेस, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, राइट। दिस एरो, ये एरो बताता है ये पीएनपी है या एनपीएन है। इफ इट इज टूवर्ड्स बेस then it is PNP, and it is away from base then it is NPN, this is NPN, so this is the symbol of transistor। configuration, hum transistor ko kaise kaise use karte hain,
First is common base configuration. Common base configuration. इसमें क्या होता है, एमीटर, इसको हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट इज फॉरवर्ड बायस्ड, एंड कलेक्टर, कलेक्टर आउटपुट का काम करते हैं, तो ये रिवर्स बायस्ड होता है। एमीटर फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर रिवर्स बायस्ड। दूसरा होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। राइट, इसमें कॉमन बेस है तो बचा क्या, इनपुट एंड आउटपुट के लिए एमीटर कलेक्टर, इसमें कॉमन एमीटर है तो इनपुट आउटपुट के लिए क्या बचा, बेस एंड कलेक्टर। सो द बेस विल एक्ट एज ए इनपुट, ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, यानी जो हमारा इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, एंड जो आउटपुट है वो रिवर्स बायस्ड होता है। इसके अलावा एक तीसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, वो हम पढ़ते नहीं है। राइट, ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें ये छोटा पार्ट ऐसे है, सो दिस इज, लेट्स एज्यूम दिस इज एन पी एन, करेक्ट, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस मींस दिस इज लाइक दिस, एंड इसको रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस मीन्स इट इज लाइक दिस। रिवर्स बायस में एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एंड फॉरवर्ड बायस में एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। राइट, ये बैटरी जिससे कनेक्टेड है उसका नाम देते हैं, जैसे वी ई ई, ये कलेक्टर से कनेक्टेड है तो इसको बोलते हैं वी सी सी। ये करंट एमीटर करंट, ये करंट बेस करंट, और ये करंट कलेक्टर करंट। राइट, जब हम ये बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, जब ये बायसिंग प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल, इन इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करता है इधर से इधर मूव करने में। ठीक है, ये नेगेटिव पोटेंशियल इधर पुश करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल इधर अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करते हैं तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, कौन से, होल्स, यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बाकी के वहाँ पहुँच जाते हैं। सो इट मीन्स इफ आई टेक 100 इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर, सो अप्रॉक्सीमेटली 95 यहाँ पहुँच जाते हैं और 5 यहाँ कंबाइंड हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली करंट का डिवीजन हो जाता है, ये 95 इलेक्ट्रॉन
कलेक्टर करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये 5 पर इलेक्ट्रॉन बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये 100 इलेक्ट्रॉन कौन सा करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? एमिटर करंट. सो ओवरऑल एमिटर करंट इज सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. द कलेक्टर करंट इज यूजुअली, इट इज नॉट ऑलवेज, इज अप्रॉक्सीमेटली 95% of emitter current, and base current is approximately 5% of emitter current. क्योंकि base का size भी बहुत छोटा होता है, doping भी बहुत कम होती है, तो वो current बहुत कम होता है. So in general, the sum of base current and collector current is equal to emitter current. एक होता है करंट गेन. करंट गेन अल्फा, दिस इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. व्हाट इज आउटपुट करंट? आई सी. एंड दिस इज इनपुट करंट इज आई ई. इसको हम डीसी करंट गेन भी बोलते हैं, राइट. एंड एसी करंट गेन, एसी करंट गेन होता है चेंज इन दोज करंट, दैट इज चेंज इन आउटपुट करंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट करंट. यानी हम इनपुट करंट में कितना चेंज करते हैं उस हिसाब से आउटपुट करंट में कितना चेंज होता है, राइट. ये थी इसकी वर्किंग, समझ में आ गया. जो प्रेफर्ड ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें एमिटर को कॉमन रखते हैं. So it is like this. NPN preferred configuration है. तो ये हमारा हो गया emitter. नीचे ये collector. ये emitter, ये base, ये collector. Now base is forward biased. तो हम ये कौन सा यूज कर रहे हैं? NPN यूज कर रहे हैं. तो फॉरवर्ड बायस तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. एंड कलेक्टर इज रिवर्स बायस, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. राइट, दिस इज कॉल्ड VBB एंड दिस इज कॉल्ड VCC. ये तो बैटरी हो गई. अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस रेजिस्टेंस. एक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टर रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. यहाँ पर हम एक वोल्टमीटर लगाते हैं. ये वोल्टेज मीटर करता है बिटवीन बेस एंड एमीटर. यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाते हैं, ये वोल्टेज मेजर करते हैं कलेक्टर एंड एमीटर. यहाँ पर एक एमीटर लगाते हैं, माइक्रो एमीटर, ये मेजर करता है बेस करंट. और यहाँ पर एक एमीटर लगाते हैं, मिली एमीटर, ये मेजर करता है कलेक्टर करंट. ये हमारी कलेक्टर करंट, ये हमारी बेस करंट, और ये हमारी एमीटर करंट, राइट. जब हम इन वोल्टेजेस को चेंज करते हैं तो करंट्स में चेंजेस होते हैं, दैट वी टेक बाय द, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज कॉल्ड इनपुट करेक्टरिस्टिक्स. जो इनपुट वाला है उसको हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं.
एंड दिस कम्स आउट लाइक दिस. ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह होती है ऐसे. दिस इज बेस एमीटर वोल्टेज एंड दिस इज बेस करंट, कम होती है माइक्रो एम्पियर में. एंड दिस इज कब, व्हेन वीसीसी इज कांस्टेंट. जब वीसीसी को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, वीसीई बोल, वीसीई इज कांस्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक विच इज द वेरिएशन ऑफ बेस करंट विद रेस्पेक्ट टू बेस एमीटर वोल्टेज. इससे हमें इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है. इनपुट रेजिस्टेंस ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया. Change in base emitter voltage to change in base current. इसमें जब हम output characteristics draw करते हैं, output characteristics. So this is what VCE versus IC, collector emitter voltage versus collect current. So this is like this. ऐसे saturate हो जाता है. ये इस तरह से. And in this case we keep the IB constant. मान लो this graph is drawn with IB 10 microampere. तो base current बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा. Base current और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा. सो इट इज ए दैट काइंड ऑफ ग्राफ. इससे हमें आउटपुट रेजिस्टेंस मिलता है. आउटपुट रेजिस्टेंस दैट इज व्हाट, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट. इसमें करंट गेन होता है. करंट गेन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. बीटा डीसी इज इक्वल टू आउटपुट करंट आईसी अपॉन आईबी, राइट. एंड बीटा, सॉरी, ये एसी है. एसी करंट गेन एंड डीसी करंट गेन सिंपली आईसी अपॉन आईबी. अब अल्फा हमारा उसमें था, कितना था अल्फा, आईसी अपॉन आईई. सो देखो, इन कंपैरिजन टू आईसी आईबी बहुत कम है. कलेक्टर करंट के कंपैरिजन में बेस करंट बहुत कम होता है, तो इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन ज्यादा होता है. एम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कम होता है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा होता है. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. जब भी हमें एम्पलीफाई करना होता है, एम्पलीफाई में क्या चाहिए, हमें करंट को बढ़ाना है ना, तो करंट गेन ज़्यादा चाहिए. इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, राइट. ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं. और जब हम एज एम्पलीफायर यूज करते हैं तो
आउटपुट हमें ज़्यादा चाहिए इनपुट के कंपैरिजन में, हम कम इनपुट देते हैं आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है। जैसे एक माइक एंड लाउड स्पीकर सिस्टम ले लो, माइक में हम बोलते हैं ठीक है, वो एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है और फिर लाउड स्पीकर में हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिलता है। तो ये जो एम्पलीफाई करने का काम है ये ट्रांजिस्टर करता है। तो एज एम्पलीफायर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रीफर करते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन प्रीफर करते हैं वो किस तरह से होगी, राइट, द सेम काइंड ऑफ सर्किट होता है, बिल्कुल सेम सर्किट, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं इस सर्किट में, राइट, व्हाट वी डू, यहां पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं इस जगह पर, ये हम इनपुट अप्लाई करते हैं, लाइक ये हमारा इनपुट है, दिस इज इनपुट, राइट, और हम यहां पर आउटपुट लगाते हैं, ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। यहां पर एक दोनों जगह कैपेसिटर लगाते हैं। इस कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी कंपोनेंट को, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएशन चाहिए, जैसे साउंड के केस में है तो हमको वेरिएशन चाहिए, तो जो डीसी कंपोनेंट है ये उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब देखो हम इनपुट में ये हमारा इनपुट एसी है, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ इस पॉजिटिव के साथ कंबाइंड होगा तो बेस करंट इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इनपुट वोल्टेज इसके साथ कंबाइंड होगी तो क्या होगा, बेस करंट इंक्रीज हो जाएगा, राइट, दैट इज व्हाट वी से, वी बी ई इंक्रीज हुआ तो बेस करंट इंक्रीज हुआ, ठीक है, वी बी ई इंक्रीज हुआ तो बेस करंट इंक्रीज हुआ। नाउ बेस करंट इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ, कैसे, यहां से देखो, ये बेस करंट इंक्रीज हुआ तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज हुआ, तो बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। देन यहां आउटपुट में अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो आउटपुट क्या है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ये टोटल वोल्टेज है वीसीसी, ये करंट यहां पे इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ठीक है। तो जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, राइट, आउटपुट वोल्टेज कम होने का मतलब क्या होता है, इट इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, नेगेटिव में इंक्रीज मतलब ये कुछ इस टाइप से आएगा, यहां पे जो हमारा आउटपुट आएगा वो ऐसे होगा, ऐसे कम होता जाएगा, राइट, ये यहां पे बढ़ता जाएगा ऐसे और ये यहां पे ऐसे कम होता जाएगा। फिर जब ये वोल्टेज कम होगी तो ये बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब नेगेटिव में कम होना, सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे ग्राफ आएगा, तो बेसिकली इसका उल्टा हो जाता है, राइट, इसको हम बोलते हैं फेज रिवर्सल, दैट इज फेज चेंज बाय पाई। सो इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन जो आउटपुट का फेज है दैट चेंज बाय पाई, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड नेगेटिव में होता है तो भी इंटेंसिटी तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये फेज रिवर्सल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एक वेरिएशन चाहिए होता है, जैसा इनपुट में वेरिएशन है ठीक वैसा ही आउटपुट में वेरिएशन मिलता है, बट आउटपुट में वेरिएशन एम्पलीफाइड होता है, ओके, okay?
हम इसमें हम निकालते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन. सो व्हाट इज वोल्टेज गेन? द वोल्टेज गेन, करंट गेन तो ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया. दिस इज व्हाट इज द करंट गेन. तो वोल्टेज गेन होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस चेंज इन करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन बोल दो या आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस. इसको हम ऐसे बोलते हैं, ए वी करके लिखते हैं, वोल्टेज गेन. करंट गेन ये हो गया. पावर गेन निकालना तो पावर गेन हो जाता है बीटा ए सी स्क्वायर इंटू आर ओ अपॉन आर आई. सो दैट विल बी पावर गेन.